Hello everyone, myself Saveri Sarkam and I am your mentor for your economic subject. Today in this video, we are going to explore some of the theories of international economics. Especially, hum Gunnar ki theory, kuch Adam Smith ki theory aur Pribish ki theory padhne wale hain. Pribish Singer theory padhne wale especially. These are the topics that we usually miss out. But since we are actually working on our fundamentals, हम अपने basics को यहाँ पे strong कर रहे हैं with the extra time that we have for the preparation of our UGC NET exam, हम उसको अच्छे से use करेंगे और ये वाले जो topics हैं जो usually हम छोड़ के चले जाते हैं वो हम अच्छे से revise करके जाएंगे. Pattern वही रहेगा, we are going to explore some concepts and solve some questions related to it. Okay. Also, last time I told you that the questions are going to be progressive. First question easy rahega aur last tak jaate jaate thode difficulty level jo hai wo increase karta rahega. Is jo ye aaj ka lecture hai international economics par wo thoda growth oriented hai. बहुत सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स थ्योरिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने ग्रोथ को एक्सप्लेन करने के लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का सहारा लिया है. दे आर सेइंग दैट द ट्रेड एक्चुअली हैज अ ग्रोथ इफेक्ट. ओके, सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट टुडे. सो लेट अस गेट इनटू द वीडियो. बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. दीज लेक्चर्स आर कंडक्टेड ऑन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडेज. ये लेक्चर्स हम मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडेज को लेते हैं. सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. ये जितने लेक्चर्स हैं ये आपके टेलीग्राम ग्रुप पे दिए हुए सजेशन से ही आ रहे हैं. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू योर एग्जाम, प्लीज़ पोस्ट योर कमेंट्स देयर. ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द डेली क्विज दैट वी कंडक्ट. ऑल्सो गाइज, आई हैव अ ग्रेट अनाउंसमेंट दैट वी हैव आर ओन कोर्स फॉर UGC नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम. And for the course detail, you can contact us at 9999466225 or you can actually search for anujindbal.in. So let us start with the first concept, that is went of surplus. Went of surplus का मतलब क्या है कि जहाँ पे surplus को एक outlet मिल रहा हो, एक एस्केप मिल रहा हो. सो योर सरप्लस इज गेटिंग अ आउटलेट और एन एस्केप फ्रॉम दिस थ्योरी. सो दिस थ्योरी सेज कि जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड होता है, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेडिंग सो मच, दैट्स व्हाई दे हैव सम अंडर डेवलप्ड रिसोर्सेज विद देमसेल्व्स. And these underdeveloped resources can be used only through trade. Yes, इसीलिए एक जो ये surplus create होता है, when we are creating a surplus in the economy, this surplus can be utilized. Okay? So ये क्या कह रहे हैं, underdeveloping जो world होता है क्योंकि वो trading में participate ज़्यादा नहीं करता है, इसलिए उसके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं. और अगर कोई कंट्री ट्रेड करती है ऐसी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशन, तो उसका ये जो सरप्लस ऑफ रिसोर्सेज है उसको एक वेंट मिल जाता है, उसको कहीं जाने का मौका मिल जाता है. सो दिस इज द वेंट ऑफ सरप्लस थ्योरी. दिस ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉलोनियल पास. ये कॉलोनियल पास को भी एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो कॉलोनाइजर थे, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश इन इंडिया, दे एक्चुअली यूज्ड दिस सरप्लस, जो हमारे देश के जो अंडर यूटिलाइज्ड आज तक पड़े हुए रिसोर्सेज थे उन्होंने उसे यूटिलाइज किया और उससे अपना फायदा किया. और जो हमारा सरप्लस था उसे क्या वेंट मिला कि वो ब्रिटेन चला जाता था सारा का सारा सरप्लस. सो दिस इज वेंट ऑफ सरप्लस थ्योरी. सो लेट अस
understand this question, and if you have understood the concept, try to attempt this particular question. Who gave the theory of went of surplus? अभी तक हमने went of surplus theory का मतलब समझ लिया है, लेकिन उसे किसने दिया है ये हमने नहीं समझा है. So try and attempt कि आपको क्या लगता है. Part A says Gunnar Myrdal, Adam Smith, Priebisch and Alfred Marshall. So किसने दी है ये theory? Gunnar Myrdal ने, Adam Smith ने, Priebisch ने या Alfred Marshall ने? Kindly let me know in the chat box. Went of surplus का हमें मतलब पता चल गया है कि surplus को कोई went मिलना, कि कहाँ पे हमारे surplus resources जाएंगे. Also this particular economist said कि अगर आप trade नहीं करेंगे तो आपके जो resources हैं वो idle बैठे रहेंगे. So if you are not interested in trade, your country is going to suffer because your resources would be underutilized and they'll sit idle. Okay, so I hope you have been answering in the chat box. The correct answer here is Adam Smith. Okay, let us move on to the next concept. Ab hum Gunnar ki theory ko hi explain karte hain. So Gunnar ne jo theory di hai, that is related to backwash effect. Aur let us understand this backwash effect. So इससे पहले जो उनकी थ्योरीज चल रही थी, गुनार से पहले जो भी थ्योरीज चल रही थी, न्यू क्लासिकल फॉर एग्जाम्पल थ्योरिस्ट जो थे वो ये कहते थे कि ट्रेड करना चाहिए, और ट्रेड में क्योंकि कंपेरेटिव एडवांटेज होता है इसीलिए दो जो नेशन है वो ट्रेड करेंगे तो वो म्यूचुअली बेनिफिशियल एक स्टेज आ जाएगी. इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम आ जाएगा. बट गुनार कहते हैं कि दिस इज नॉट करेक्ट. ऐसा हो सकता है कि दो जगहें हों, ए एंड बी. बी इज लेबर सरप्लस. बी से जो इकोनॉमी है, क्योंकि लेबर सरप्लस है, आउट माइग्रेशन हो सकता है. आउट माइग्रेशन कैन टेक प्लेस फ्रॉम बी टू ए, एंड दिस विल क्रिएट अ डिसइक्विलिब्रियम. हाउ? क्योंकि जो बी से लेबर उठ के ए गई है, जहां लेबर की जरूरत थी, बी में जो डिमांड है दैट विल फॉल. क्योंकि लोग जब उठ के चले जाएंगे बी से ए की तरफ तो क्या होगा, आउट माइग्रेशन की वजह से जो पीपल की डिमांड है वो भी कम हो जाएगी. लोग कम हो गए तो डिमांड कम हो गई बी में, और इसीलिए डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा. वी नो दैट एग्रीगेट डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फ्लरिश. ये इनकम को डिटरमाइन करती है, एंड इफ एग्रीगेट डिमांड इज फॉलिंग डाउन देन योर नेशनल इनकम विल ऑल्सो फॉल डाउन. इससे क्या हो रहा है कि एक जगह ए में तो लेबर पहुंच गई एंड इट इज फ्लरिशिंग, बट बी जहां से आउट माइग्रेट करके लोग गए हैं वहां पे फ्लरिशमेंट नहीं हो रही है, बल्कि वहां पे तो इनकम जो है, नेशनल इनकम इज फॉलिंग डाउन. सो हमें ये दोनों चीजें पता चल गई दैट इट क्रिएट्स ज्योग्राफिकल ड्यूअलिज्म. वन प्लेस वेयर देर इज फ्लरिशमेंट एंड अदर प्लेस वेयर देर इज अंडर डेवलपमेंट. सो दिस इज ज्योग्राफिकल ड्यूअलिज्म. कि एक अच्छी जगह बन गई जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, और दूसरी एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हियर. द इंटरनेशनल ट्रेड रन अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम. ये हमें पता चल गया कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है दैट इज रनिंग अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम. क्यों? यहाँ पे एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है, ज्योग्राफिकल ड्यूअलिज्म आ रहा है. नेक्स्ट इज द बैकवॉश इफेक्ट. अब ये अंडर डेवलपमेंट को और बढ़ा रहा है, इसलिए जहाँ पे आपने ये सोचा था कि ट्रेड से तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, इनकम जनरेशन होगी, दैट इज नॉट हैपनिंग. हेंस दिस इज अ बैकवॉश इफेक्ट. कुछ चीज़ आपको रोक रही है, दिस इज द बैकवॉश इफेक्ट. ओके, सो नाउ दिस इज द गुनार थ्योरी, एंड आई होप
that you would be able to solve this next question. Which of the following are the correct about Myrdal's thesis of international trade? Part A says, part 1 says, he gave the backwash effect. The trade caused geographical dualism. Third says, he challenges neoclassical equilibrium theory. Now these are the three options and you need to select the correct option from here. यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो मिर्डाल है उसकी थ्योरी में कौन कौन से पार्ट थे. वो बैकवॉश इफेक्ट में मानता है, ज्योग्राफिकल ड्यूअलिज्म में मानता है और न्यू क्लासिकल इक्विलिब्रियम जो थ्योरी है उसको चैलेंज करता है. हमने सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पढ़ लिए हैं. यहाँ पे आई होप कि आप जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे. सो काइंडली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आपको क्या लगता है, क्या है करेक्ट आंसर. एंड आई लेट यू नो इन अ मिनट. अब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया है हमें सॉल्व करने में, बट अगर आपने इस थ्योरी के बारे में नहीं पता होगा आपको एंड यू विल ट्राई टू टेक अ वाइल्ड गेस इन द एग्जाम तो आप जो है गलती करके आएंगे. डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर. The correct answer is all the statements are correct. D is the correct answer. सारी ही जो statements हैं वो correct हैं. Backwash effect हमने पढ़ लिया, geographical dualism भी है और जो neoclassical theory of equilibrium थी ये उससे भी challenge करता है. क्यों? He says that disequilibrium will be created in the economy. Disequilibrium create होगा economy में. Let us move on to the next concept, that is the Prebisch-Singer hypothesis. इस पे questions बहुत ज़्यादा आते हैं, इसे ध्यान से पढ़ेंगे हम. So this particular theory says long-term deterioration of terms of trade for the developing and underdeveloped nations होते हैं through trade. इसका मतलब क्या है? जो long-term terms of trade होते हैं, terms of trade मतलब आपके एक्सपोर्ट्स कितने ज़्यादा हैं आपके इम्पोर्ट से, वो डिटीरियोरेट करते हैं, वो ख़राब होते हैं लॉन्ग टर्म में. किसके लिए? डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए. ये कुछ ना कुछ इमिसराइजिंग ग्रोथ जैसा भी है बाय भगवती, जिसमें वो ये भी कहते हैं कि जो आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो ख़राब होते हैं विद द ट्रेड. क्यों खराब होते हैं उसको भी इन्होंने बताया है. तो दिस वॉज अ इम्पीरिकल स्टडी. कहीं पे पूछा जा सकता है आपसे. इन्होंने ट्रेड डेटास को कंपेयर किया था US एंड UK के बीच में बिफोर वर्ल्ड वॉर वन. ठीक है, तो यहाँ पे दे आर कंपेयरिंग द इम्पीरिकल डेटा बिटवीन द US एंड द UK. ओके, और ये रीज़न क्या देते हैं वाई अ कंट्री वुड स्टे अंडर डेवलप्ड, वाई अ कंट्री टर्म्स ऑफ ट्रेड विल डिटीरियरेट ओवर टाइम. वो ये कहते हैं कि देयर इज़ द डिफरेंस इन द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो आपको रॉ मटेरियल्स सप्लाई करती है एंड जो डेवलप्ड नेशन है वो क्या सप्लाई करता है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सप्लाई करता है. ओवर द टाइम व्हेन द इनकम इंक्रीजेस तो यू विल डिमांड लेस ऑफ द रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स को आप फूड की तरह भी समझ सकते हैं. जब आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज कर जाती है देन यू वुड नॉट वांट दैट मच फूड. आप फूड से हटके कुछ और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, वो लेने लगते हैं. सो हियर दे आर सेइंग देयर इज़ अ डिफरेंस इन द इलास्टिसिटी ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. इसलिए व्हेन द कंट्रीज ट्रेड और इनकम जनरेट होती है, when the countries they are trading and there is income generation from that trade,
द कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटीरियल इज गोइंग टू फॉल. जब दो कंट्री ट्रेड कर रही हैं, इनकम जनरेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं उसकी जो डिमांड है वो फॉल करेगी. इसका मतलब अंडर डेवलप्ड नेशन जो सप्लाई कर रहा है उसकी डिमांड इज फॉलिंग डाउन. एक रीज़न ये हो गया. दूसरा रीज़न वो ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द डेवलप्ड नेशन इज गोइंग टू बी सच दैट दे आर रॉ मटेरियल सेविंग. मतलब कि वो टेक्नोलॉजिकल चेंज कुछ ऐसा लाना चाहेंगी कि जो रॉ मटेरियल है उसकी नीड ही कम हो जाए. ओके, सो दिस इज फ्रॉम द टेक्नोलॉजी साइड. इसीलिए भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की जो डिमांड है, जो वो सेल कर रहे हैं, उसकी डिमांड कम हो रही है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल सेल कर रहे हैं और जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी ऐसी ले आए हैं जहाँ पे आपको कम रॉ मटेरियल यूज करना है. नेक्स्ट इज द अनइक्वल मार्केट पावर. नाउ दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इफ यू आर अ डेवलप्ड नेशन तो जो आपकी मार्केट पावर है दैट इज गोइंग टू बी वेरी बिग कंपेयर्ड बिटवीन US एंड इंडिया. US के पास जो मार्केट पावर है दैट इज नेचुरली ग्रेटर देन इंडिया. इसीलिए भी एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ नेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट एंड लेट अस मूव ऑन फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन नंबर 3. अजर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है. हर तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्योंकि UGC में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. क्रोनोलॉजी में लगाना, थ्योरिस्ट का नेम, फैक्चुअल पार्ट, अजर्शन रीजनिंग, सारे तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे ताकि हर तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाए. अजर्शन सेज अकॉर्डिंग टू द प्रिविश सिंगर हाइपोथेसिस द डेवलपिंग कंट्री विल हैव डिटेरियरेटिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड. उसका रीजन क्या दे रहा है वो, द डेवलपिंग नेशन एक्सपोर्ट रॉ मटीरियल. ओके, सो काइंडली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. यहाँ पे अजर्शन ये है कि जो प्रिविश सिंगर हाइपोथेसिस है उसके अंदर डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड इज गोइंग टू डिटीरियरेट. और रीज़न वो ये दे रहा है क्योंकि वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं. सो काइंडली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओनली ए इज करेक्ट, ओनली आर इज इनकरेक्ट एंड ए एंड आर बोथ आर इनकरेक्ट. दिस शुड बी करेक्ट. इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए था. वन ऑफ बी और सी पार्ट सेम ही हो गए. सो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट यू थिंक इज द करेक्ट आंसर. आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में भी. सो द करेक्ट आंसर इज ए. एंड लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंजल्स लॉ ऑफ कंजम्पशन. अब जो प्रिविश सिंगर जो हाइपोथेसिस है दैट इज बेस्ड ऑन एंजल लॉ ऑफ कंजम्पशन, जहां पे इनकम इलास्टिसिटीज ऑफ फूड इज लेस देन द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. यही जो लॉ को वो यूज कर रहा है प्रिविश सिंगर, वो यही एंजल्स लॉ ऑफ कंजम्पशन पे बेस्ड है, जहां पे वो ये कह रहा है कि जब इनकम इंक्रीज करती है. फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ से देख लेते हैं. When the income is increasing here in this graph on x-axis, the absolute expenditure on food is increasing. Okay, absolute जो terms में आपके income के साथ expenditure तो increase कर रहा है, but the relative proportion spend on food, relative मतलब कि food पे कितना consume किया और उसके इलावा फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अगर यहाँ पे ले लो तो उसमें जो रिलेटिवली फूड की जो कंजम्पशन है वो कम होती जा रही है. दिस इज योर एंजल्स लॉ ऑफ कंजम्पशन जिसको प्रिविश ने यूज किया. आई होप दिस इज क्लियर एंड लेट अस मूव ऑन फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन. ओके, द प्रिविश सिंगर डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. Part A says
वॉलरस लॉ, पार्ट सेकंड सेज एंजल्स लॉ ऑफ कंजम्पशन, पार्ट थ्री सेज डिफरेंस इन द मार्केट मार्केट पावर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज. नाउ यू नीड टू टेल कि इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है आंसर. ओके, ये क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज कर गया है. अगर थ्योरी बिना पढ़े, एग्जाम्पल बिना दिए, या आप थ्योरी को बिना दिए अटेम्प्ट करते और या आधी अधूरी नॉलेज से करते, तो आप इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एंजल लॉ ऑफ कंजम्पशन अगर आपको नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. आई होप ऑल ऑफ यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स. एंड लेट मी टेल यू, सेकेंड एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर. सो बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट अस मूव ऑन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट. अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. प्रेविश सिंगर हाइपोथेसिस, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, गुनाहर मिर्डाल्स थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड हिक्शर ओलिन थ्योरी. अब क्रोनोलॉजी में लगाने भी आपको आएगा. जब पूरा सब कुछ हमने पढ़ ही लिया है तो क्यों ना हम ईयर्स भी याद करें. जब हमें ये थ्योरिस्ट के नेम भी याद हो गए हैं तो ईयर्स भी क्यों ना याद रहें. आप एक बार ट्राई कर सकते हैं टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड आई लेट यू नो द ईयर्स इन अ मोमेंट. ये आपके ऑप्शन हैं एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इन द चैट बॉक्स. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो पोस्ट इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. ऑलराइट गाइज, लेट मी टेल यू द ईयर्स हियर. ऑल्सो प्लीज नोट इट डाउन. प्रेविश सिंगर हाइपोथेसिस जो है वो 1940s में दिया गया था. कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी वॉज गिवन बाय डेविड रिकार्डो. एक छोटी सी रिविजन और कर लेते हैं यहाँ पे. 1870s में दी गई थी ये थ्योरी. गुनाहर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वॉज गिवन इन द बुक इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ अंडर डेवलप्ड रीजन्स. ये भी नोट कर लेना, बुक के साथ भी मैच द फॉलोइंग आ सकता है. इट वॉज गिवन इन 1957. एंड हिक्शर ओलिन थ्योरी वॉज गिवन इन 1933. तो जल्दी से इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लीजिए एंड आई लेट यू नो द आंसर इन अ मोमेंट. आप भी साथ में इनको अरेंज कर लीजिए. ओके गाइज, द करेक्ट आंसर इज पार्ट बी. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन. अब हमारी ये इंटरनेशनल ग्रोथ थ्योरीज जो है वो कंप्लीट हो गई हैं. इसके बाद, क्योंकि अब हमने ये एक पार्ट पढ़ लिया है, बेसिक अब हमारे क्लियर हो गए हैं, अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं इससे आज ही अपने टाइम टेबल में. यू कैन ऐड कि आज यू विल कंप्लीट द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज. सिर्फ जो ट्रेड थ्योरीज वाला पार्ट है आप कंप्लीट कर लीजिए. अगर आप इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज का जो टॉपिक कवर्ड है आपके कोर्स में, डू गो एंड चेक इट आउट एंड ट्राई टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस गिवन इन द कोर्स. उसके बाद में जो हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कीजिए. दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग अस ओनली ऑन यूट्यूब, आप भी इंटरनेशनल ग्रोथ थ्योरीज जो हैं वो अपनी रिवाइज कर लीजिए. सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड. फंडामेंटल्स अगर स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट स्टेप लेने में हमें कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट स्टेप इसके बाद यही है कि आप इंटरनेशनल थ्योरी की सारी जो बाकी थ्योरीज हैं वो रिवाइज कर लें. ऑलराइट गाइस, ऑल्सो आई नो थोड़ा हम कोविड पैंडमिक की सिचुएशन में हैं, तो देर माइट बी सम नेगेटिविटी अराउंड यू. आई नो कि थोड़ा हेल्पलेस लगता है, बट ट्राई टू हेल्प अदर पीपल. अगर आप अपनी मदद करना चाहते हैं, ट्राई टू हेल्प अदर पीपल, यू विल नॉट फील हेल्पलेस. ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिविटी के साथ रहिए एंड आई एम श्योर दैट अगर हम
साथ हैं, इफ वी आर ऑल टुगेदर वी आर एबल टू, वी विल बी एबल टू बैटल दिस चैलेंज अगेन. और हम लास्ट टाइम की तरह ही, जैसे सितंबर में एग्जाम में हमने बैटल किया था एंड वी वॉन विथ सो मैनी फ्लाइंग कलर, सो मैनी ऑफ आर स्टूडेंट्स वर एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, यू गाइज विल बी ऑल्सो एबल टू क्रैक दिस एग्जाम. सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे.